हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है अप्रैल महीने का प्रेडिक्शन, राइट। सो अप्रैल महीने में आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, हेल्थ, ठीक है, और भी जो भी विषय होगा, मे बी ट्रैवल्स, उसके सारे विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है काफ़ी ज़्यादा आसान है। आधा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या सिलेक्ट कर सकते हो एज पर द पिक्चर। जो लोग कन्फ्यूजन पे रहते हैं कि नहीं उनको करना है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हो, और अगर आपको सिलेक्ट करना है पिक्चर के हिसाब से, सो दिस इज़ फॉर ग्रुप वन, दिस इज़ फॉर ग्रुप टू। नाउ दिस प्रेडिक्शन विल बी जनरल रीडिंग, हो सकता है कि रिजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। और ये जो रीडिंग है डेफिनेटली ये अप्रैल महीने तक ही वैलिड होगा, ओके, अप्रैल महीना में ही वैलिड होगा। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ओके। ऑल राइट, अप्रैल फर्स्ट में जो न्यू मून का प्रेडिक्शन है मैंने दे दिया है, वो आपको आई बटन में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रेडिक्शन विच आई हैव मेड, आप देख सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ओके। दैट इज़ अ कैंडल वैक्स रीडिंग, ऑलराइट। तो इस तरह के रीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए ज़रूर देखें, फॉर रोज पेटल्स रीडिंग, फॉर सैंड रीडिंग, फॉर कैंडल रीडिंग्स, फॉर टी कप रीडिंग्स, एज वेल एज डिफरेंट रीडिंग्स। सो फॉर ग्रुप वन, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। फॉर ग्रुप नंबर बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30th, ये रीडिंग आपके लिए होगा। ग्रुप वन के लिए है ये कार्ड, ग्रुप टू के लिए है ये कार्ड। तो देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर ए, आपके लिए अप्रैल महीना किस तरह से रहेगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। तो चलो हम देख लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर वन गाइस। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29 and 31st, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। अप्रैल महीना का प्रेडिक्शन जनरल प्रेडिक्शन है, सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, टेक वट एवर इट रेजोनेट्स, ठीक है, एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मून प्रेडिक्शंस जो है, न्यू मून का प्रेडिक्शन ऑन 1 अप्रैल का, वो मैंने दे दिया है थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग्स, आप उसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा से गाइडेंस देगा। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर वन। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, एंड वी हैव द रिमेन पॉजिटिव, ओके। सो जिस तरह से मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन इस तरह से है, रिकवरी, आप चाहते हो कि आपके रिकवरी ऑफ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, इसमें मतलब ये है कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज बहुत दिन से चल रहे थे या अभी भी चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो वो कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली आपके जीवन से दूर हो जाए, ठीक है, तो ऑफकोर्स होगा। रिमेन पॉजिटिव, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड पे है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आप कंसर्न हो उस चीज़ को लेके। तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने जहाँ पे भी हो, जो भी करियर आप कर रहे हो या जो भी रिलेशनशिप में हो या थे, डेफिनेटली यू वांट अ चेंज, ठीक है, आप चाहते हो कि पूरी तरह से बदलाव आ जाए आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंशियल एरियाज में भी। यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन, आप कहीं ना कहीं पे जाना चाहते हो और आपको इस तरह से लग रहा है कि उस जगह जाने से आपके सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से सक्सेस मिलेगा और आप जो चाहोगे उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है
कि डेफिनेटली यू आर ऑन मेडिकेशंस कुछ लोग के लिए, ओके, एंड नॉट लाइक दैट रिकवरी. आप चाहते हो रिलेशनशिप में आपके फिर से कुछ लोग के लिए रिकन्सिलिएशन हो जाए, या आप अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आप डेफिनेटली चाहते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप ना करे और पैचअप हो जाए. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि आपके अप्रैल महीने में क्या खुशखबरी आ रहा है आपके लिए. सो व्हाट्स दैट कमिंग? ग्रैटिट्यूड तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम बताएंगे. पहले हम देख लेते हैं गाइस. सो फॉर ग्रुप नंबर ए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31st, आपके लिए अप्रैल महीना किस तरह से रहेगा. फॉर लव, करियर, रिलेशनशिप, ट्रैवल, हेल्थ, ओके, वाव, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, क्या बात है, ये सब स्वॉर्ड्स, ये तो एकदम पूरी तरह से एकदम जैकपॉट आ गया है. थ्री ऑफ कप्स, जैकपॉट ही जैकपॉट है गाइस. स्ट्रेंथ, कैंसर, पैशेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे साइंस पे मत जाना, ठीक है, यहाँ पे सब लोग के लिए है, फिर भी मैं बता देती हूँ. वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, लियो. अगर कोई साइंस यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपके रीडिंग नहीं है, या आपके रीडिंग है. देखो यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आपने इसको भी सिलेक्ट किया था तो कोई तो आपके साथ, ठीक है, कोलैबोरेट करेगा. ठीक है, कोलैबोरेट मतलब आपके साथ हमेशा रहने वाले इंसान, हो सकता है वो आके आपसे माफ़ी भी मांगे. ठीक है, उसने जो भी गलती किया है. कुछ न्यू पार्टनरशिप या न्यू फ्रेंडशिप या न्यू कनेक्शन आपको मिल सकता है रिगार्डिंग लव लाइफ रिलेशनशिप्स. तीसरा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जॉइंट वेंचर, कोई अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप्स के थ्रू बहुत अच्छे से फंड मिल जाए या रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाए, जो चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो मिल जाए आपको. यहाँ पे मुझे एक तरह से हैंडशेक दिखाई दे रहा है, एक तरह से सपोर्ट दिखाई दे रहा है. हो सकता है कोई न्यू जॉब में आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके जो बॉस है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड आपको शो करे. अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, मुझे लग रहा है हो सकता है कि आप लोग टीम, मतलब जिस तरह से लोग एक साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में चले जाते हैं, उसी तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे और आप उसके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड फील करोगे. 23rd नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके. सो लेट मी सी, 23 कम्स टू 5, 5 इज अगेन द नंबर फॉर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका फास्ट हो सकता है. यहाँ पे हर एक कार्ड ही पॉजिटिव है, बेस्ट ऑफ लक का कार्ड है. यहाँ पे है फोर ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, और उसके नीचे भी है द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे हो सकता है 483 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है, किसी का डेफिनेटली, अगर हम लव रिलेशनशिप का पहले बात क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम करियर देखेंगे. यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि अगर आप अरेंज मैरिज का वेट कर रहे थे, अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो, ठीक है, या अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिश्ते को देख रहे थे, तो वहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी आ सकता है. ठीक है, एंगेजमेंट, मैरिज, या हो सकता है कि आपके साथ उनका रोका हो जाए. ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है, मतलब 11 नंबर को भी बोला जाता है फोर ऑफ वैंड्स. सो डेफिनेटली आई डू बिलीव, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा 11 नंबर देखते हुए या 111, या हो सकता है कि नेक्स्ट विद इन 1 ईयर हो सकता है कि आपका मैरिज कंप्लीट हो. ठीक है, अगर हम बात करें किसी के साथ एक शार्प कम्युनिकेशन का, ठीक है, क्लियर कट बातें, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए एंड डेफिनेटली उसके साथ आपका एक ऑनेस्ट क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके. ठीक है, जिस तरह से मुझे लग रहा है कुछ इस तरह से न्यूज़ आपको मिलने वाला है, जहाँ पे मे बी रिलेटेड, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हो सकता है कि आप एडमिशन आपको मिल जाता है आपके प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में या प्रेफर्ड कॉलेज में, जहाँ पे भी, ठीक है, या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है और आप पार्टीज़ कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ. मेरा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर रहेगा, आपका अच्छा हो.
यहाँ पे देखो आपके लाइफ में जिस तरह से आपको मेंटल स्ट्रेंथ का ज़रूरत था, ठीक है, बार बार मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है कि आपके फैमिली, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं। जो चीज़ आपने सोचा था कि नहीं हो पाएगा वो चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें इमोशनल स्ट्रेंथ मिल जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा पता है ना गाइज हम वीक हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर अगर ताकत भी है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, पैसा भी है, ठीक है, हम काम भी कर सकते हैं, हम एफर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मन से दुर्बल है, मतलब अगर हमारे मन इस तरह से है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ नहीं आता, ठीक है, तो कोई आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं, या आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ माइंड के बन सकते हो, जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जहाँ पे आपके अंदर मजबूती आ रहा है कि चलो कोई ना सही, मैं तो हूँ खुद अकेले के लिए, ठीक है, इस तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन अ पार्टनरशिप जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आपके लिए बन के रहेगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, सो ऑफकोर्स एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। कुछ लोग अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स या अकाउंटेंसी रिलेटेड, या हो सकता है कॉमर्स रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो, सो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छा सा अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर्स में आपको अगर जॉब मिलना था तो डेफिनेटली हो सकता है अच्छे पोजिशंस में मिले, ठीक है, हो सकता है कि आप ऑफिसर्स, प्रोफेशनरी ऑफिसर्स जो होते हैं उनका जो एग्ज़ाम है आप क्लियर कर जाओ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट स्टिल अगर आपने मेहनत कर लिया था ऑलरेडी। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो तो आप लोग जा रहे हो, ओके, यू आर गोइंग टू एग्जॉटिक डेस्टिनेशन, ठीक है, और वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स मिक्स होते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी निकल चुका होता है, ठीक है, और हम एक अच्छी जगह पे भी हमें एडमिशन मिल जा रहा है, तो उसी बीच में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी आपके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई मेल, कोई इम्पॉर्टेंट लेटर, ठीक है, जो डेफिनेटली ज्वाइनिंग के लिए हो सकता है ज़रूरत है, हो सकता है कि आपने सब कुछ सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट्स और वहाँ से क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन नेगेटिव नहीं होगा जितना तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है, स्टिल इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। अगर आपने सही से सबमिट किया था, अगर आपके क्वालिफिकेशंस वहाँ का यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मैच हुए, या अगर आप पीआर के लिए जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पे सेटलमेंट के लिए जा रहे थे, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको सुकून मिलने वाला है, बिकॉज यू कैन सी द फेस, यहाँ पे आप फेस को देखो कितना शांति से आपको वो कम्युनिकेशन के लिए आप वेट करो। अगर कोई इस तरह से नहीं है तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर आर मीन्स यू आर वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, ओके, फ्रॉम योर एक्स, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपके अप्रैल महीने में किस तरह से रहेगा। सो व्हाट इज कमिंग इन अप्रैल फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1357 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 and 31st, या जिन्होंने भी ग्रुप ए का कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए अप्रैल महीने में किस तरह से रहेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपके ऑलरेडी सर्जरी हो चुका था, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो बहुत सारे एज ग्रुप हो सकते हैं, तो सर्जिकल अगर ऑपरेशंस था तो डेफिनेटली अगर होने भी वाला है कुछ लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, अगर आपके पेरेंट्स की भी हो सकते हैं, होना अगर था तो वो भी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट चाहते थे, चाहे आप अपने लिए हो, चाहे वो किसी भी परिवार के सदस्य के लिए हो, तो वहाँ पे अच्छा है आपके लिए, ओके। सो व्हाट इज़ दैट नाइट ऑफ वैंड्स अगेन, इट्स अ कार्ड ऑफ एक्साइटमेंट, ओके, फोर ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टेन ऑफ स्वर्ड्स, एंड यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हो सकता है कि कुछ एंडिंग आप कर दोगे जो आपके लिए अनवांटेड है, ठीक है, एंड हो जाएगा, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक लॉयल
कमिटमेंट डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है. मे बी यू विल एंड अ करियर और स्टार्ट अ न्यू थिंग. ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग जॉब भी छोड़ दो और फिर एक कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या कुछ कोर्सेस में आपका एडमिशन, इस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस तरह से कुछ टाइम हो सकता है, कुछ वक्त इस तरह से हो सकता है कि जहाँ पे आप लेथर्जिक फील करो. ठीक है, लेथर्जिक फील करो, इसके वजह से क्या हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, आपको और ज़्यादा नींद आ सकता है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से इस सारे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं. आपके लाइफ में ही एक्साइटमेंट होगा. ठीक है, जहाँ पे आप देखो जिस तरह से बोलते हैं ना, ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल ये डम डम बाजे ढोल, तो यहाँ पे देखो ढोल बजा रहे हैं कोई, तो डेफिनेटली उत्सव हो रहा है. ठीक है, जो भी आपका डिज़ायर्स था वो फुलफिल हो रहा है. तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक लाभदायक सिचुएशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहा है, बट कुछ एंड होगा. एंड होने के बाद हो सकता है कि वो चीज़ आए. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने जो भी काम है उसको निष्ठा से करोगे और उसका रिवर्स भी आपको अच्छा से मिलेगा, चाहे वो लव हो, चाहे वो आपके वर्क हो, चाहे वो आपके करियर हो, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, आपको लगेगा कि ये चीज़ एंड क्यों हुआ, वो चीज़ एंड इसलिए हुआ क्योंकि न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, सो डोंट वरी. ओके, ऑल राइट, सो लास्ट में हम थोड़ा सा एक ओरेकल मैसेज देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की ग्रुप वन के लिए एक मैसेज मुझे चाहिए उनके गाइडेंस के लिए. पोर्टल ऑफ लाइट, यही मुझे लगा था कि यही आने वाला है. शी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस. पोर्टल ऑफ लाइट, लाइट मतलब ऑफकोर्स रोशनी, रोशनी आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है. सो ये है आपके लिए मैसेज, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. सब कुछ इस तरह से अगर पोज दे रही है वो, इस तरह से मतलब यू आर गोइंग टू रिसीव एवरीथिंग दैट यू वांट. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 वेयर ट्रूथ exposes darkness and will expose darkness. Thank you all and love you a lot. Now I'll proceed for group 2. हेलो एवरीवन, फॉर ग्रुप 2 और ग्रुप बी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 38, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. तो देख लेते हैं कि अप्रैल महीने में आपके लिए क्या क्या आ रहा है रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग ट्रैवल. ठीक है, आपके थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन हम देख लेते हैं. आप जानते ही हो मैं हमेशा ही देखती हूँ, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. तो ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल टाइमलेस नहीं है बिकॉज अप्रैल महीने में ही ये वैलिड रहेगा, बट ये एक जनरल प्रेडिक्शन है. सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना. चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें. और अप्रैल महीने में जो फर्स्ट जो अप्रैल है वहाँ पे न्यू मून का जो रीडिंग है वो मैंने दे दिया है, आई बटन पे दिख रहा होगा आपको, उसको आप देख लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस हो जाएगा. सो व्हाट इज योर करेंट सिचुएशन, नो नीड टू वरी. ओके, कॉम्प्रोमाइज, आप लिब्रा हो सकते हो या कोई भी फायर साइन हो सकते हो आप, देयर इज समथिंग बेटर. ओके,
आपके करंट सिचुएशन में बोल देती हूँ, बिग एंड हैप्पी चेंजेस, आप चाहते हो कि चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए आपके लाइफ में, सब कुछ चीज़ जो जिस जगह पे था वो चीज़ उसी जगह पे रिस्टोर हो जाए, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपको लगता है कि मे बी आपने इस एक रिलेशनशिप था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रिलेशनशिप था, जहाँ पे जो आपको चाहिए था उसी इंसान से आपको नहीं मिल रहा था, तो आप चाहते हो आदर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आए या उससे भी बेहतर इन कनेक्शंस आपको मिले। हो सकता है ये रिलेटेड टू आपका जॉब भी हो सकता है कि आप करियर में प्रेजेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि बहुत अच्छा बिग एंड हैप्पी चेंजेस यू वांट इन योर लाइफ, कि आप झूम उठो, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल आप होना चाहते हो, आप लाइमलाइट पे आना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, रेपुटेशन, आपके जो हो सकता है अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो आप चाहते हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको आए, या कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम्स, उसमें से आप मतलब फर्स्ट आओ, इस तरह से आपका ख्वाहिश है कि एवरीथिंग शुड कम आउट इन द बेस्ट वे, राइट। तो यहाँ पे आप और उस विषय में काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कि आपके लाइफ में क्या सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, क्या और भी बेहतरीन हो सकता है, क्या मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, क्या लोग मुझे इन फ्यूचर जानेंगे, क्या मैं ब्राइट पोजीशन पे पहुँच पाऊँगा या पहुँच पाऊँगी, क्या मेरे जीवन साथी बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो सारे ये सारे क्वेश्चन सबके माइंड पे चल रहे हैं, ठीक है। आपके हेल्थ वाले तो मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँगी। हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, इसके वजह से आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, ठीक है, सो डोंट टेक स्ट्रेस, ऑलराइट। अभी हम देख लेते हैं गाइस, सो यूनिवर्स विल गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं पर ग्रुप नंबर बी जिन्होंने भी ये कार्ड, इस कार्ड के बारे में भी मैं बताऊंगी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 and 30, उनके लिए क्या आ रहा है। फॉर लव लाइफ रिलेशनशिप वर्क करियर ट्रेवल्स, उनके लिए क्या आ रहा है। सो वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, वी हैव द मून, वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, फाइव ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ओके, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। फाइव नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, 5-5 हो सकता है, 5-5, 5-5 आप देखते हो, या 3-4, 3-3, 4-4, 4-4 या 10-10। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी है द नंबर 38 कैन बी इम्पोर्टेंट विच कम्स टू 11, ठीक है, ऑफकोर्स हंटर, यहाँ पे हंटर मून, Abundance, सो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन इससे आ रहा है कि अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, ठीक है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आपके लिए आ रहा है। जहाँ पे यहाँ पे देखो एक फ्रेंडली कनेक्शन हो सकता है कि बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे टू कंसीव स्पेसिफिकली फॉर फीमेल, या अगर आप मेल हो आपके वाइफ तो हो सकता है कि वो कंसीव कर ले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी आपके पार्टनर इस तरह से हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, क्लेवर होंगे, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा वश में कर लोगे, ठीक है, आपके ब्यूटी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके स्किल से, ठीक है। जिस तरह से मुझे लग रहा है कुछ वाइल्ड आप कुछ करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वाइल्ड एक्सप्लोरिंग, ठीक है, हो सकता है कि कुछ कैंप में जाओ, आप ट्रैवल करो, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स जो बिल्कुल, ठीक है, आपके लिए सूटेबल नहीं था, या आप उस रिलेशनशिप का बिल्कुल आप डिज़र्व ही नहीं कर रहे थे कि वो इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हो सकता है उससे आप एंड कर रहे हो, कुछ बैगेजेस, अभी भी बर्डनड हो आप बहुत ज़्यादा,
या आपके बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर्स हो सकते हैं कि अप्रैल महीने में आए और उसके लिए आपका ट्रैवल हो, ये भी हो सकता है कि यू पैक योर लगेज, यू गो एंड ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट रीजियंस भी हो सकता है। मुझे जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विद द मून कार्ड आई ऑल्सो फील अ थ्रिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो हो सकता है कुछ समय के लिए हिडन हो। मुझे लग रहा है कि मुझे बोलने के लिए मैं मजबूर हो रही हूँ। हो सकता है जिस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है या था, हो सकता है वो अपना दिल की बात बयान ना करे, ठीक है, अप्रैल महीने में, लेकिन वो करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनएक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो मुझे दिखेगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप फुल्ली डेडिकेटेड हो जाओगे अपने करियर के ऊपर, ठीक है, और आप ट्रैवल्स भी करोगे क्योंकि ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पार्टीज़ भी करोगे, सेलिब्रेशन भी होगा, एग्ज़ाम रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ जहाँ पे भी आप दिए हो सकता है, कुछ करियर का स्टार्ट करने जा रहे हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है या रीलोकेट कर रहे हो या माइग्रेशन हो रहा है, आपके फैमिली की वजह से हो सकता है, आपके खुद के वजह से हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। यहाँ पे जो भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन हो अप्रैल महीने में, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भी आपको फेस करना पड़े, लेकिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। हो सकता है जिस प्रोफेशन पे आप हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अदर प्लेयर्स भी है, तो सब प्लेयर्स अपना गेम ही खेलेंगे, आपको भी ध्यान से विद द वाइज थिंकिंग एंड यूज़ ऑफ योर इंट्यूशंस, ठीक है, इंट्यूशंस का यूज़ कीजिए एंड डेफिनेटली एक्सपैंड योर नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाइए एंड डेफिनेटली आप पहुँचोगे लक्ष्य तक, ठीक है, आप डेफिनेटली टक्कर दे दोगे कंपटीशन को, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप आपके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो अननेसेसरी है, उसको साइड में आपको रखना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है अप्रैल महीने में आप करोगे बर्डन फील क्योंकि आपको लगेगा कि कोई आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है, आपका साथ देने के लिए है, यूनिवर्स है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे हो एंड यू गेट टू मीट विद योर ट्विन फ्लेम, ओके, मे बी इन पार्टीज, अचानक से हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, बट ट्रैवल तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इनएक्शन का कार्ड इसलिए आया है, अगर आप आपके रिलेशनशिप आपके एक्स के साथ, और अगर आप बहुत फ्रूटफुल सोच रहे हो तो वो नहीं भी हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन मे नॉट कम्युनिकेट विथ यू इन द राइट मैनर। कम्युनिकेशन तो वो करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लग रहा है, अगर कम्युनिकेट करेंगे तो सोच समझ के करने वाले हैं बिकॉज इनएक्शन का कार्ड है अगर यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। और अप्रैल महीने में आप इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा ऑफिस से या अपने बिजनेस से, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने का भी टाइम आपको ना मिल रहा है, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है, यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी के साथ आपका शादी तो एटलीस्ट नहीं, बट यहाँ पे एंगेजमेंट या हो सकता है कि प्री मैरिज जो सेरेमनीज है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। मुझे लग रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ जोन्स में जाओगे, मे बी इन कॉफ़ी शॉप्स और एनी टाइप ऑफ एरियाज, डांस पार्टीज, ये सब लगा हुआ रहेगा, डोंट वरी, खुश आप रहोगे। या फोर ऑफ कप्स, सोचना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हो अप्रैल महीने में, बट ओवरथिंक मत कीजिए। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, आपके पास पैसा आता रहेगा, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम विल कम फॉर यू, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगा उस बात का, ठीक है, ये चीज़ आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा, गेंस, ठीक है, प्रॉफिट लेवल, पैसा का बात अगर आता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो, स्पेशली अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, कुछ है आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट, तो वो अप्रिशिएशन डेफिनेटली मिल रहा है आपको। फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते हो, सो थिंक एंड स्पेंड। आप बोलोगे कि मैम आप हमेशा इस तरह से बातें क्यों बोल रहे हो, तो पॉजिटिव बातें भी अगर मैं बोल रही हूँ तो नेगेटिव भी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको अलर्ट करना है, ना कि अच्छा ही बोलने से हो जाएगा।
आप खर्चा कर मत करना, ठीक है, इतना ज़्यादा ओवरस्पेंड मत करना. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस. अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्रैक कर लोगे उसको, ठीक है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट इंटरव्यू हो, भले ही वो एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो डेफिनेटली. और मुझे लग रहा है किसके साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है. अगेन द फूल कार्ड हैज कम, सो ट्रेवल्स अगेन. आप फ्री होके ट्रैवल करोगे, फ्री माइंड होके ट्रैवल करोगे, किसी का परवाह नहीं करोगे आप, ठीक है. जर्नीज में तो आप डेफिनेटली जाओगे. ग्रुप नंबर टू में बहुत ज़्यादा जर्नी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. एंड डेफिनेटली कुछ रिस्क भी आप लोगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा संभल के कर लेना, ठीक है. एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जितना इंडिपेंडेंट रहोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है. सो फूल इंडिकेट्स अ न्यू जर्नी, हो सकता है किसी पार्टनर के साथ, न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो टेन ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे है फूल. सो समथिंग यू आर एंडिंग एंड समथिंग यू आर बिगिनिंग, ठीक है. अभी देख लेते हैं विद इजिप्शियन कार्ड्स आपके लिए क्या ओरेकल्स आ रहा है. सो फॉर ग्रुप नंबर बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30 आपके लिए क्या आ रहा है. व्हाट्स कमिंग, वाओ, चैरियट ऑफ एसेंशन, क्या बात है. देखो चैरियट ऑफ एसेंशन द स्पिरिचुअल वर्क ऑफ द हायर इनिशियल. कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मन लगा रहे और उसी से आपका इम्प्रूवमेंट हो. मे बी यू आर स्पिरिचुअल हीलर्स और समथिंग लाइक दैट. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एसेंशन मतलब ऊपर जाने वाले हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप यहाँ पे तो मुझे दिख ही गया था ना विद द मून कार्ड. सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, भले ही वो एक डिसेप्शन है, भले ही वो डिनाई कर रहा है या एक्सेप्टेंस में नहीं है, बट है तो आप ही के साथ उनका कनेक्शन, ठीक है. चैरियट ऑफ एसेंशन स्पिरिचुअल वर्क ऑफ द हायर इनिशियल. आप हायर पर्पस के लिए अपने जो लाइफ पर्पस है उसी को आप फॉलो करोगे और इन द जर्नी यू विल डेफिनेटली मीट योर बेटर हाफ, दैट इज योर सोल पार्टनर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर बी और ग्रुप नंबर टू. आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो सेक्स, व्हाट ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट.